हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बाजार के घंटों के दौरान लाइव अपडेट के लिए आप अपने टेलीग्राम ऐप पर स्टॉक मार्केट STV सर्च करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। स्टॉक से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप हमारे ट्विटर पर हमसे पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़ने के लिए आप अपने ट्विटर पर स्टॉक मार्केट STV सर्च कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये स्टॉक सोमवार 21 अगस्त 2023 को 554 रुपए और 20 पैसे पर बंद हुआ है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1062 रुपए है और 52 वीक लो 512 रुपए और 40 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 537 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 560 रुपए और 5 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 574 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 595 रुपए और 95 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 535 रुपए और 70 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 512 रुपए और 55 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 476 रुपए और 65 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है। ये स्टॉक सोमवार 21 अगस्त 2023 को 217 रुपए और 15 पैसे पर बंद हुआ है। स्टॉक का 52 वीक हाई 359 रुपए और 50 पैसे है और 52 वीक लो 184 रुपए और 40 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 198 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 227 रुपए और 35 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 240 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 247 रुपए और 25 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 215 रुपए और 50 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 202 रुपए और 20 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 198 रुपए और 40 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे एंट्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाई सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।